लिए थोड़ा स्टैंडलिंग कर दो आज। खाली रोड पे बाइक चलाने का एक अलग ही मजा है। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और आज हम जा रहे हैं शॉर्ट राइड पे। सो टुडे विद मी इज ओबेज एंड जावा। सो जावा इज राइडिंग हिज एक्टिवा और ओबेज मेरे पीछे बैठा है। सो आज ओबेज मेरा पिलियन है। अरे बाप रे, बहुत ट्रैफिक है। हम मुंबई पुणे हाईवे पे, हमें जाना है तले गाँव और रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक लग गया है। नॉर्मली यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता नहीं है बट आज पता नहीं क्यों इतना आज ट्रैफिक है यहाँ पे। फाइनली मैं बाहर आ गया हूँ ट्रैफिक से। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, ना बारिश है ना ज़्यादा धूप है और राइड करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो हमें जाना है आज तलेगांव वाटरफॉल्स और अभी हम है मुंबई पुणे हाईवे पे। तलेगांव वाटरफॉल्स है अराउंड लाइक 35 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे एंड अभी बज रहा है 5। सो हम लगभग एक डेढ़ घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर हमें ट्रैफिक ना मिला तो हम एक घंटे में पहुँच जाएंगे वहाँ पर। दिन के बाद इतने अच्छे मौसम में मैं राइड करो क्योंकि इतनी दिनों से बारिश हो रही थी और राइड करने के लिए मुझे नहीं मिल रहा था बट आज हमें टाइम मिला है। खाली रोड पे बाइक चलाने का एक अलग ही मजा है। बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है, आप सामने देख सकते हो फ्लैग। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग। नीलो का स्कूटर। तो उस पहाड़ पे आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, पूरा फॉग हो चुका है वहां पे। तो मैंने एक छोटा सा रॉन्ग टर्न ले लिया था, अभी यू टर्न मार के मैं फिर से अपोजिट वाले रोड पे आ गया हूँ और यहाँ से मैं अंदर जाना है। मैं बोलता हेलमेट पहनते रहो। सो यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन होगा, रेलवे स्टेशन क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट और बस 5 ही मिनट का रास्ता है यहाँ से। ऑलराइट, सो इस गांव का नाम है बेगड़ीवाड़ी और ये तलेगांव से पहले आता है, तलेगांव से अराउंड 3 किलोमीटर पहले आता है। आपको गुरुडेश्वर माउंटेन के सामने से एक राइट टर्न होगा, वहाँ पे आपको राइट टर्न लेना होगा और राइट टर्न लेके आप यहाँ पे पहुँचोगे। तो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एज यू कैन सी चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिख रही है। रास्ता बहुत ही स्लीपर, यहाँ पे मेरे टायर स्लिप हो रहे हैं कि सफाने में निकल गया वैसे और मेरे पैर भी गंदे हो गए। शेट, ये थोड़ा सैडलिंग कर दे आज। ऑफ रोडिंग का मजा लेते हुए पुणे का अमिन। फाइनली हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं।
गाइस इस पुल पे हमने बहुत सारे फोटोज खींचे और ये पुल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है. यू कैन सी भैया पूरा ओपन है साइड से, यू कैन सी. और इसी तरह से लोग भी जाते हैं और बाइक्स भी आते हैं सामने से और यहाँ से भी. यू कैन सी द वाटरफॉल ओवर हियर. बाइक्स वगैरह जा रहे हैं इसी रास्ते से. यहाँ पे एक मंदिर भी है, यू कैन सी भैया. सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस. मस्त वाला वाटरफॉल है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. पूरा बहुत है यहाँ पे आना, सही फील है. हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी वक्त हो रहा है 7 बज रहे अभी और अंधेरा होने वाला है, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा. रियली एंजॉय टुडे और बहुत ही ज्यादा मजा है यहाँ पे आके और पूरा बहुत है यहाँ पे आना. और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट हमेशा की तरह जैसे आप करते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है. सो इसी नोट पे मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. यहाँ जाओ.